आप भी वही आम का अचार खाकर बोर हो गए हैं और अचार बनाने में लगती है झंझट, तो आज मैं आपको आम का अचार बनाने का इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसे आप बिना गैस जलाए, बिना कोई तैयारी के झटपट बना लोगे। इतना आसान तरीका कि बच्चे भी बना सकते हैं, झटपट बनेगा, सालों खराब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। आम को धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना या धूप में ड्राई कर लेना। आम में ये जो ऊपर डंठल वाला पार्ट होता है इसे जरूर से निकाल देना, नहीं तो ये पूरे अचार को खराब कर देगा। अब आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। आपके घर तेज धार वाला चाकू हो तो आम को काटना आसान होगा। आम में जाली पड़ गई है तो थोड़ी मेहनत लग सकती है। वैसे तो आजकल मार्केट में काटकर भी मिल जाते हैं। गुठली को अलग कर देना है। वैसे आपको बता दें कि आम की गुठली का भी बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। फिर कभी आपसे इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। आज मैं मार्केट गई थी और मुझे आम दिख गए, लेकिन अचार की कोई तैयारी नहीं थी तो सोचा चलो आज झटपट वाला अचार बनाया जाए। अगर आप मार्केट से ये आम कटवा कर लाए तो आम को धोकर यूज करना। आम काटने के बाद बड़े बर्तन में ट्रांसफर करना है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेना। अभी आम बिल्कुल ड्राई हैं तो हमें आम को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिसमें नमक पानी छोड़ देगा और हल्दी पूरे आम में अच्छे से कोट हो जाएगी। 15 मिनट के बाद नमक ने पानी छोड़ दिया है और हल्दी पूरे आम में अच्छे से कोट हो गई है। नमक लगाने से आम के अंदर का मॉइस्चर निकल जाता है और हल्दी लगाने पर जब हम आम को धूप में डालेंगे तो इनका कलर काला नहीं पड़ेगा। अब आम को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में सुखा लेना है। ऐसा करने पर अचार सालों खराब नहीं होगा और इनका कलर भी बरकरार रहेगा। 3 घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो आम का मॉइस्चर रिमूव हो गया है और इनका कलर भी बरकरार है और अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। इनको हम रखेंगे फिलहाल के लिए एक तरफ। अब मिक्सिंग जार में 1 चम्मच मेथी लेंगे और 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ। और यहाँ पर हमने कोई भी मसाले को ड्राई रोस्ट नहीं किया है, ना ही हमने गैस का इस्तेमाल किया है। साथ ही 2 चम्मच मोटी वाली सरसों लेंगे, ये अचार के लिए होती है, और बारीक वाली सरसों होती है वो तड़के के लिए होती है। साथ ही 4 चम्मच येलो वाली सरसों लेंगे। मसाले आप अपनी चॉइस से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, अगर आप ज्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं तो। सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम महीन पीस लेना है। इसी मसाले को बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। 50 ग्राम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है तो ध्यान रखना कि नमक कम नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर 4 चम्मच मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मिर्च पाउडर आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हींग ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। ये जो हम आम का अचार बना रहे हैं ना, ये आंध्रा स्टाइल पिकल है। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही मस्त लगता है। आपको लगे कि राई कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बिना गैस जलाए अचार बना रहे हैं और आंध्रा स्टाइल अचार है तो इसमें सरसों का तेल नहीं बल्कि तिल का तेल यानी कि सेसम ऑयल ऐड करेंगे। पहले मसाले में डालेंगे जितनी जरूरत लगे और मिक्स करेंगे। आम के टुकड़े डालेंगे और मसालों में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार का कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अचार स्टोर करने के लिए हमें जार को अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके धूप में सुखा लेना है। मॉइस्चर रहेगा तो अचार खराब हो जाएगा। अब जार में थोड़ा सा अचार डालेंगे और 3 से 4 लहसुन की कलियां डालेंगे। ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लहसुन लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप न डालें, लेकिन आंध्रा के अचार में लहसुन कंपल्सरी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से लगभग 200 ml ऑयल डालेंगे। तेल हमें एकदम से ज्यादा नहीं डालना है। अचार जैसे जैसे पुराना होगा तेल ऊपर आ जाएगा। 1 हफ्ते के बाद चेक कर लेना, लगे तो आप तेल ऊपर से भी डाल सकते हैं। चम्मच से अचार को दबा देना है तो तेल ऊपर आ जाएगा। पतला सूती कपड़ा लेकर जार में बांध देना है और अचार को 3 से 4 दिन की धूप दिखाना है। रात में ओस पड़ती है तो ध्यान रखना कि अचार को रात में बाहर ना छोड़े, नहीं तो अचार में ओस पड़ जाएगी और अचार में मॉइस्चर आ जाएगा। 4 से 5 दिन में अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।